आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल से गांव में टीकाकरण प्रभावित हो रहा है। सीएचसी से जुड़ी 200 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल से टीकाकरण और आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य अधिक प्रभावित हुआ है। मोहिनी ने कहा कि 3 दिन पहले टीकाकरण होना था, लेकिन आशा कार्यकर्ता ना होने से टीकाकरण नहीं हो सका है, अब सीएचसी जाना पड़ेगा। इसी प्रकार परिवार के सभी सदस्यों की एक सामूहिक आभा आईडी बनाने का काम भी धीमा पड़ गया है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए अस्पताल तक पहुंचाने में आशा कार्यकर्ता अहम भूमिका निभाती है। वरुवा निवासी उमा देवी ने कहा कि आशा हम लोगों को टीकाकरण के दिन बुलाने आती थी। नियमित रूप से टीकाकरण हो रहा था, अब यह कई दिनों से बंद है। गोंडा देवरिया निवासी चंद्रावती ने बताया कि गांव में आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य आशा कार्यकर्ताएं कर रही थी, घर घर जाकर सरकार की सुविधा का लाभ दिलवा रही थी, अब यह काम भी ठप है। चिमलाई निवासी सुमित्रा ने बताया कि डिलीवरी के लिए आशा बहु केवल एक कोन करने पर आ जाती थी, साथ में अस्पताल तक ले जाकर पूरा ख्याल रखती थी, अब स्वयं यह कार्य करने पड़ रहे हैं। ब्लॉक प्रतिरक्षण अधिकारी शैलेंद्र मारे ने बताया टीकाकरण का कार्य करवाया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य पंचायत सहायकों द्वारा चल रहा है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ रहा है इन आशा कार्यकर्ताओं की वजह से, इनकी हड़ताल में जाने की वजह से बहुत ही बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। आम पब्लिक को भी इसके लिए जो है दिक्कत उठाना पड़ता है, गर्भवती महिलाओं को भी इनके लिए दिक्कत उठाना पड़ता है, लाभार्थियों को कई तरह के जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद ही वो अपना काम करवा पाती हैं। परंतु आशा कार्यकर्ता जब साथ में थी तो आसानी से अपना काम करवा लेती थी।